सावन के बाद मध्य प्रदेश में हुई झमाझम बारिश ने समूचे मध्य प्रदेश सहित जबलपुर को भी जलमग्न कर दिया। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया, सैकड़ों मकान गिर गए, कई बेघर हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि भारी बारिश में किस तरह की जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश में कई मकान धराशायी हो गए तो कई लोगों की गृहस्थी पूरी तरह से पानी में बह गई। ऐसे में अब बेघर हुए लोगों को शासन और सरकार का सहारा है। जबलपुर के लाला लाजपत राय वार्ड मोहनिया में रहने वाले हुकुम चंद बताते हैं कि दो दिन की भारी बारिश में उनका सालों पुराना आसियाना छीन लिया। कल सुबह अचानक ही तेज बारिश के बीच उनका कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि जिस समय यह घटना हुई उस समय हुकुम चंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ मकान के बाहर थे। मकान गिरने के अंदर रखी पूरी गृहस्थी दबकर खराब हो गई। जो कुछ बचा हुआ था हुकुम चंद उसे किराए के कमरे में लाकर रख लिया है। वहीं अनुराधा बताती हैं कि अपने दो बच्चों और पति के साथ बेघर हो गई हैं। पड़ोसियों ने एक छोटा सा कमरा कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया है, पर उनका आसियाना तो हमेशा के लिए भारी बारिश में छीन लिया है। अनुराधा अपने दो बच्चों और पति के साथ कच्चे मकान में रहा करती थी। दो दिन की हुई बारिश में पानी कच्चे मकान से टपकने लगा। मकान की हालत बिगड़ते देख अनुराधा अपने परिवार के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो गईं। इसी दौरान रात को उनका मकान गिर गया। ऐसा नहीं है कि भारी बारिश के चलते बेघर सिर्फ हुकुमचंद या अनुराधा हुई हों। जबलपुर में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो कि मूसलाधार बारिश के बीच फंसकर ना सिर्फ अपना आसियाना खो दिया है बल्कि अब बेघर भी हो गए हैं। हालांकि कुछ परिवारों को जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सामुदायिक भवन में ठहराया है। परिवारों के सामने आए संकट पर पीड़ितों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से राहत की उम्मीद की है। लगातार दो दिन बारिश हुई तो उस समय हम कमरे के बाहर थे और दूसरे समय वो गिर गया। ये बहुत ज्यादा चू रहा था तो हम दो बच्चों को लेके बाजू वाले कमरे में रहने लगे तो रात को दो दिन अभी बारिश हुई तो इसलिए गिर गया।